मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजधानी दिल्ली से पटना लौट गए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत भी की और कहा कि जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। उनके नेतृत्व में 10 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करीब 40 से 45 मिनट तक चली, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। नहीं, कल तो आप सब जानते ही हैं, पहले से ही मालूम था आपको कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के सब रिप्रेजेंटेटिव थे और सब एक साथ गए और करीब करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा, तो सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन निर्णय तो उनको लेना है, हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव और 2020 में, दोनों मतलब कि फरवरी महीने में ही तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने और जो कुछ भी जो इसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी हमने उसमें साथ में ही लगा दिया था। इधर बिहार पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में नए नगर निकायों के गठन, पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण के बाद करीब 300 पंचायतों का अब की बार नगर पंचायत या नगर परिषद में विलय हो गया है, जिस कारण से यहां मुखिया और सरपंच सहित 6 पदों के लिए चुनाव नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आचार संहिता के प्रभावी रहने की अवधि, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए वैधानिक उपबंध, निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण सहित अनेक प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बंदरा प्रखंड मुख्यालय के पीएचसी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान बंदरा के वीडियो प्रशांत कुमार एवं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमित संस्कार भी मौजूद थे। कार्यक्रम की सफलता एवं उद्देश्यों को लेकर सरकार के गाइडलाइन तथा वरीय अधिकारियों के निर्देशों के संदर्भ में स्वास्थ्य कर्मियों को बताया गया। बैठक के बाद पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमित संस्कार ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 1 सितंबर से शुरू की जाएगी। अब की बार घर घर दवा वितरण नहीं होगा, बल्कि घर घर जाकर आशा कार्यकर्ता घर के सदस्यों को अपने सामने में दवा खिलाएंगे। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। मोतिहारी जिला प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा विभाग एवं चयनित जिला के नवासी विद्यालय का यह मामला सामने आया है, जहां विद्यालय के एचएम पदाधिकारी के साथ मिलकर 26 लाख रुपए के वारा नियारा कर दिए। बताया जाता है कि विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के सशक्तिकरण एवं खुशनुमा माहौल बनाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा के द्वारा चयनित विद्यालयों में 30,000 रुपए दिए गए, लेकिन यहां नियम को ताक पर रखकर बिना सीडीपीओ कार्यालय से संपर्क साधे विद्यालय के एचएम से राशि निकलवा कर जिला प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र विभाग ने बंदरवाट कर लिया। बताया जाता है कि इस खेल में बीआरसी कार्यालय भी शामिल है। जिस स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं हो रहा है, वहां भी राशि भेजकर जिला प्राथमिक समग्र शिक्षा कार्यालय एवं एचएम मिलकर सरकारी राशि हजम कर गए, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र पर जाने वाले बच्चे खिलौने का इंतजार करते रह गए। इस मामले में आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। के तहत जो है 89 विद्यालय का चयन किया गया था जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। आप आईसीडीएस के प्रभार, जिला के प्रभारी हैं, आपके संज्ञान में है क्या मामला कि आपके यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र चयन हुआ है उसको खिलौना के साथ साथ कई उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा कोई पत्र आया आपके पास? नहीं, ऐसा पत्र तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने कहा तो मैं यही कहूंगा कि मेरे संज्ञान में अभी तक तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पत्र हमारे कार्यालय को मिला, लेकिन आपके प्रश्न के आधार पर मैं इसका गहन रूप से देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्र हो और ये किसी का ध्यान ना गया हो,
लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। मधेपुरा से यह खबर आ रही है जहां बिहारीगंज बाईपास का कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल के अंतर्गत बिहारीगंज बाईपास का कल लोकार्पण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा है कि प्रतिस्पर्धात्मक सफलता एवं खुद के फिटनेस के लिए जिम का होना जरूरी है और जिम की अहम भूमिका होती है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों, युवाओं एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के खेल के क्षेत्र में फिटनेस के साथ प्रवेश एवं प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में सहभागिता एवं विकास के हेतु इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिकंदरपुर में मल्टी जिम उपकरण एवं शहीद खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान मुजफ्फरपुर में मल्टी ओपन जिम की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया। देखिए, ये पूरा सिकंदरपुर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो है, इसको समेकित खेल गतिविधियों के लिए डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी इंडोर स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, अन्य गेम्स भी हैं, लेकिन जिम की कमी महसूस की जा रही थी। इसको लेकर के हम लोगों ने विभाग से बात की, राशि मनाई और इसको काफ़ी कम समय में, एक महीने से भी कम समय में इसको स्थापित किया गया। आज इसका उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से खेल प्रेमी इसका फ़ायदा उठाएंगे, वार्म अप सेशन या जिम की जिसको भी ज़रूरत होगी उसको या फ़ायदा उठाएंगे। और इसके अतिरिक्त इस पूरे एरिया को हम लोगों ने खेल के लिए पूरा डेवलप करने के लिए डेडिकेट किया है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे सिकंदरपुर स्टेडियम को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत खेल के अन्य जितनी भी गतिविधियाँ हो सकती हैं सभी के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पूरा एक तरह से ये एरिया खेल गाँव के रूप में विकसित हो। इधर सुपौल से खबर आ रही जहां अंतर जिला गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। त्रिवेणीगंज अनुमंडल के बतौना उत्तर पंचायत स्थित त्रिवेणीगंज बाजार से यह कार्रवाई की गई है। दिनांक 14/8/21 को त्रिवेणीगंज बाजार में नीले रंग के पाचे नंबर साइकिल से तीन अपराधकर्मी द्वारा मिट्टी बालू छड़े का माने शाह सीमेंट स्टोर घटना हुई थी और अपराधी कार्य करते हुए भागे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं आए हुए साक्ष्य के आधार पर एक अपराधी जिसका नाम आनंद प्रकाश और भानु है और रणवीर यादव, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत इन दोनों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक पूसा के दक्षिणी हरपुर पंचायत में की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष किशोर राय कर रहे थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पूसा क्षेत्र में जल जमाव वाले खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करना सरकार का काम है, सरकार के सिस्टम के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जल जमाव की वजह से किसानों के फसल बर्बाद हो रहे हैं, दोबारा फसल लगाना भी मुश्किल हो रहा है। बेतिया में जीविका दीदी द्वारा बैंकिंग सुविधा सुगम बनाने का प्रयास तेज कर दिया गया है। बैंकिंग सेवा घर घर तक पहुंचाने की दिशा में जीविका दीदियों के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का आयोजन जिला कार्यालय जीविका बेतिया में किया गया। एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जिला के 8 प्रखंड की 12 बैंक सखियां शामिल हुई। इधर तारापुर में निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार ने चुनाव के लिए 12 कोषांग का गठन किया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पंचायत चुनाव की सरगर्मी यहां तेज हो गई है। पदाधिकारियों के द्वारा भी चुनाव को लेकर बैठक का दौर शुरू कर दिया गया है। बेतिया में पदाधिकारी एवं गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर वीर सपूतों को आज नमन किया। 24 अगस्त 1942 को शहीद नौजवानों को आज याद किया गया, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। बिहार झारखंड एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इंद्र बालन ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर मगध विश्वविद्यालय के अधीन सभी कॉलेजों के साथ पूरे राज्य के कॉलेज में एनसीसी को बढ़ावा देने की मांग की है। उन्होंने एनसीसी के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। एनसीसी को कॉलेजों में ऐच्छिक विषय के रूप में चलाए जाने की भी सलाह उन्होंने दी। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है जहां बिहार में 128 इंस्पेक्टर और दारोगा का तबादला कर दिया गया है। भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। पटना पुलिस मुख्यालय और अन्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से तबादले का आदेश जारी किया गया है।
इधर मुजफ्फरपुर पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार एसआई संतोष रजा को कथैया का थाना अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हाथा ओपी के अध्यक्ष समीम अख्तर को सिवाई पट्टी का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। एसआई अरविंद पासवान कुढ़नी के थाना अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसआई सुनील कुमार गायघाट के अनुसंधानक बनाए गए हैं। एसआई हरेराम पासवान पानापुर ओपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरीके से एसआई अनिल राम एससी एसटी थाना अध्यक्ष बनाए गए हैं। मिल रही खबर के अनुसार एसआई कुमार अभिषेक जो ब्रह्मपुरा थाना के अध्यक्ष हैं, उन्हें हाथा ओपी का अध्यक्ष बनाया गया है। रवि रंजन को कांटी थाने का अनुसंधानक बनाया गया है। लाल किशोर गुप्ता को नगर थाना का अनुसंधानक बनाया गया है। इसी तरीके से रवि प्रकाश बरियारपुर सकरा के ओपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। जमुई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बालू माफियाओं ने पुलिस कर्मियों को वाहन से रौंदने का प्रयास किया है। इस दौरान एक एएसआई घायल हो गए हैं। झाझा थाना क्षेत्र के बोरवा गांव का यह घटना बताया जा रहा है, जहां बालू माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया। अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई थी पुलिस बलों की टीम। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जमुई में पुलिस माफियाओं के खिलाफ लगातार नकेल कस रही है और यह बातें बालू माफियाओं को रास नहीं आ रही है, लिहाजा पुलिस बलों पर हमला होना शुरू हो गया है। यह ताजा मामला जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के बोरवा गांव से सामने आया है, जहां अवैध बालू खनन पर शिकंजा कसने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। बालू माफियाओं के द्वारा यह हमला किया गया है। इस दौरान बालू माफियाओं के द्वारा पुलिस टीम को ट्रैक्टर से रौंदने का भी प्रयास किया गया। इस घटना में सभी पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, जबकि झाझा थाना के एएसआई विजय यादव ट्रैक्टर के झटके के कारण से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल एएसआई को सहयोगी पुलिसकर्मियों के द्वारा इलाज के लिए जमुई के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। थाना अध्यक्ष महोदय की सूचना मिला थी, बालू लेकर जा रहा है। फिर हम लोग गए, हम लोग कर देख कर गाड़ी को देख कर थोड़ा दूर ही थे कि बालू को उठा के टॉली है, टॉली को उठा कर गिरा दिया। हम लोग पकड़ने की कोशिश किए, एक ट्रैक्टर तो भाग गया, एक ट्रैक्टर हम ऊपर पिछला चक्का चढ़ा दिया। एक ट्रैक्टर पकड़ा गया जी, एक ट्रैक्टर एक आदमी पकड़ाया।